गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.5 नाइन्थ स्टैंडर्ड फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। नाउ फर्स्ट कंसेप्ट इज ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशंस? मैथमेटिकल ऑपरेशंस, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में कौन कौन से ऑपरेशंस आएंगे? फर्स्ट इज एडिशंस ऑफ रेशनल नंबर्स। सेकेंड इज सब्सट्रैक्शन। थर्ड इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स। एंड फोर्थ ऑपरेशन इज डिविजन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल ले लिया 2/3 प्लस में 3/2। ये एग्जाम्पल ले लिया एडिशन में, इसके ऊपर हमने ऑपरेशन लगा दिया एडिशन। ये कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन है हमारे जो मेनली हम यूज करते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। नाउ एग्जाम्पल 2/3 एक रियल नंबर है, सिमिलरली 3/2 भी क्या है? एक रियल नंबर मीन्स रेशनल नंबर। तो यहां से क्या ले लेंगे हम? एलसीएम इजिली सोल्व कर सकते हैं। 6 3 2 4, 2 3 जा मीन्स 3 3 जा 9, 13/6। नाउ इन ये एग्जाम्पल को हम किस में करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड ऑपरेशन में। तो यहां से क्या आएगा? ये 6 3 3 जा 6 माइनस में 2 3 जा 9, माइनस 3/6 मीन्स माइनस 1/2। सोल्व कर सकते हैं हम इजिली। नाउ मल्टीप्लीकेशन में 2/3 इंटू में 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 क्या आ गया हमारा 1। डिवाइड कर रहे हैं 2/3 / 3/2। ये प्रॉपर्टी कैसे सोल्व होगी, इसका क्या मतलब है? a/b और c/d इसी टाइप की प्रॉपर्टी है। कैसे सोल्व होती है ये? a/b जो नीचे वाली प्रॉपर्टी है c/d, ये ऊपर जाएगी तो क्या होगा? इस जो ये नीचे नंबर है इसका क्या होता है? रेसिप्रोकल, यानी कि d ऊपर और ये c नीचे डिनोमिनेटर में, यानी कि ad/bc। a/b / c/d किसके इक्वल होगा? ad/bc। सेम एज इट इज यहाँ पे डिवीजन हो रखा है टू नंबर्स का, जो रेशनल नंबर है 2/3, नीचे वाली टर्म ऊपर जाएगी तो रेसिप्रोकल 2/3 मीन्स 4/9। सोल्व हो गया डिवीजन में, ये किसके इक्वल आ गया? 4/9। सो कुछ ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस थे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑन रेशनल नंबर। कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास रेशनल नंबर की। फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? कि हम किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लीकेशन करते हैं या डिवीजन करते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या आता है? किन्हीं भी दो नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो उनके जो एडिशन आएगा वो भी क्या आएगा? एक रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या करेंगे, जैसे ए और बी मैंने दो क्या ले लिए? रेशनल नंबर। इनका सम भी क्या आएगा? जो भी सम आएगा ए बी का वो क्या आएगा? एक रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने जो एग्जाम्पल किया था 2/3 3/2 कितना आया था? ये 6 3 2 जा 4 2 3 जा 13/6 ये भी क्या था? एक रेशनल नंबर। ठीक है, यानी कि और इस प्रॉपर्टी में जैसे रेशनल नंबर में हम रेशनल नंबर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? रेशनल नंबर। आर डिनोट रेशनल नंबर। सिमिलरली अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स को आपस में तो भी क्या आएगा हमारे पास? रेशनल नंबर। किन्हीं भी दो रेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी क्या आएगा? रेशनल नंबर। जैसे ये आया था 2/3 × 3/2 कितना आ गए थे? 6/6 ये भी क्या है? रेशनल नंबर, क्योंकि इसको 1/1 की फॉर्म में हम इजिली लिख सकते हैं और रेशनल नंबर को हम रेशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तब भी क्या आएगा? एक रेशनल नंबर। ये कुछ प्रॉपर्टीज है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टीज कि जिसके अंदर हम ऐड करने पे दो रेशनल नंबर अगेन क्या देंगे? रेशनल नंबर। सब्ट्रैक्ट करने पे भी क्या देंगे? रेशनल नंबर। एंड मल्टीप्लीकेशन पे भी क्या देंगे? रेशनल नंबर। और डिवीजन कर रहे हैं तब भी क्या आएगा? हम कोई भी एग्जाम्पल लेके इन प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हैं इजिली। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव। नाउ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है?
किसके ऊपर ऑपरेशन लगा रहे हैं, पहले हम रेशनल नंबर के ऊपर। इस ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर को हम ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल दो रेशनल नंबर है हमारे पास ए एंड बी, दोनों का सम करेंगे किसके इक्वल आएगा, बी प्लस ए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर मैंने ए में बी को ऐड किया तो ये किसके इक्वल आएगा, बी में ए को ऐड करने पे ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस में 3, मैंने 2 में 3 को ऐड किया कितना आया 5, अगर मैं 3 में 2 को ऐड कर रही हूं तब भी तो 5 आ रहा है ना, यानी कि यहाँ पे ये जो एडिशन वाली प्रॉपर्टी है, एडिशन वाली प्रॉपर्टी है वो किसको फॉलो कर गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों जो प्रॉपर्टी होती है वो फॉलो करती है किसको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। जैसे ये एडिशन की प्रॉपर्टी थी, यहां से मैं मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी है a इंटू बी, वो भी किसके इक्वल आएगा, b इंटू ए के। यहां से यही एग्जांपल, जैसे 2 इंटू 3 कर रही हूं मैं कितना आ गया 6, या 3 इंटू 2 कर लू तब भी क्या आएगा, ये 6 आएगा। तो मींस मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन जो प्रॉपर्टी है वो किसको फॉलो करती है, हमेशा कोमुटेटिव प्रॉपर्टी को, यानी कि इन दोनों की जो प्रॉपर्टी हो किसको फॉलो कर गई, कोमुटेटिव प्रॉपर्टी को। अब हम देखते हैं हमारे पास टू ऑपरेशन और है, सबस्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, वो भी कोमुटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं या नहीं। है हमारे पास सबस्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, उसमें क्या होगा किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स का हम डिफरेंस करेंगे, जैसे a माइनस बी कभी भी इक्वल नहीं होगा किसके, b माइनस ए के। इस सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, माइनस ही तो करेंगे, जैसे इसमें क्या कर रहे थे, एडिशन में प्लस और मल्टीप्लाई में मल्टीप्लीकेशन, यानी कि a में b ऐड कर रहे थे तो b a में ऐड करने पे इक्वल आ रहा था। यहाँ पे ये होना चाहिए, अगर ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो a में से b माइनस करने पे ये किसके इक्वल आना चाहिए, b में से a माइनस करने पे। a की वैल्यू मैंने 3 ले ली, b की वैल्यू 4 ले ली, तो यहाँ से 3 माइनस 4 कितना आ गया माइनस 1, लेकिन ये किसके इक्वल नहीं है, b माइनस ए, 4 माइनस 3 कितना होता है 1, लेकिन ये तो माइनस 1 1 के इक्वल नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी किसके अंदर फॉलो नहीं हुई, सबस्ट्रैक्शन के अंदर। अब हम देखते हैं डिवीजन में, डिवीजन में ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है या नहीं, मीन्स a अपॉन में b किसके इक्वल नहीं आता, b अपॉन में a के। फॉर एग्जाम्पल यही a और b की 3 और 4 वैल्यू, 3 अपॉन 4, यहां से a बाई बी में पुट की मैंने 3 अपॉन 4, क्या ये इसके इक्वल है 4 अपॉन 3 के, नहीं है ना, तो यहां से ये जो डिवीजन वाली प्रॉपर्टी है वो भी किसको फॉलो नहीं करती, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। ओनली एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसके अंदर मैं 3 ए बी सी रैशनल नंबर लेके चलती हूँ, कहां से, नेचुरल नंबर से ए बी सी। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो अगर मैं पहले एडिशन में ले रही हूं इस प्रॉपर्टी को, फिर मल्टीप्लाई में लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि मैंने ए अलग रखा और बी प्लस सी दोनों को कंबाइन ऐड किया, ये किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी प्लस सी। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि मैंने किन्हीं भी बी प्लस सी दो रैशनल नंबर को ऐड किया, फिर लास्ट में उनको मैंने ए में ऐड किया, ये किसके इक्वल होगा कि पहले मैं इन दोनों को ऐड कर लूं ए और बी को, फिर लास्ट में हम सी में ऐड कर दे, तो आपस में दोनों क्या होंगे इक्वल। फॉर एग्जांपल 2, 3 एंड 5, ये रैशनल नंबर है, ए की वैल्यू 2 ले ली, बी की 3 एंड सी की 5, यहां पुट करेंगे 2 प्लस 3 प्लस 5 किसके इक्वल आएगा, ये 2 प्लस 3 प्लस में 5, ये कितना आ गया यहां से 2 प्लस 8 10, 5 प्लस में 5 10 इक्वल टू 10। प्रॉपर्टी यहां पे फॉलो हो गई ना, एडिशन वाली क्या है हमारी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, कि इसमें ये जो एडिशन कर रहे हैं हम इनके नंबर्स के बीच में वो किसको फॉलो करती है, कौन सी प्रॉपर्टी है वो, एसोसिएटिव। नाउ मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं हम यही प्रॉपर्टी सेम एसोसिएटिव वाली, मल्टीप्लाई करते हैं किन्हीं भी 3 रैशनल नंबर को, मीन्स यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगी इनके प्रोडक्ट, a इंटू बी इंटू सी, ये किसके इक्वल होगा,
a इंटू बी, पहले इनकी कर दे और फिर किसके साथ मल्टीप्लाई, सी के साथ। यही सेम एग्जाम्पल 2 × 3 × 5 ये भी कर सकती हूँ, 2 × 3 × 5। नाउ ये कितना आ गया 15, 6 × 5 30 = 30। इक्वल आया है ना, कि पहले मैंने ए की मल्टीप्लाई किसके साथ की, बी और सी की, दोनों की इकट्ठी करने के बाद उसकी मल्टीप्लाई ए के साथ, फिर ए और बी की अलग से, फिर इन ए बी की मल्टीप्लाई किसके साथ, सी के, इक्वल आई है। तो मीन्स यहाँ पे एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन सेटिस्फाइड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। नाउ इसमें हम क्या देखते हैं आगे, सबस्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, ये फॉलो होती है या नहीं। इसमें a माइनस बी माइनस सी, क्या इसके इक्वल आएगा, a माइनस बी माइनस में c। हम एग्जाम्पल देखते हैं, कभी भी ये आपस में इक्वल नहीं आएगा। a की वैल्यू क्या थी, 2, 3 और 5, यहां से 2 − 3 − 5, a माइनस बी कर रहे हैं 2 − 3 और c की वैल्यू क्या है, −5। 2 − ये कितना आ गया, −2, −1 − 5, 2 + 2 = 4, ये −6, क्या 4 − 6 के इक्वल है, तो यहाँ से प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी, फेल, यहाँ पे इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो कभी भी सब्ट्रैक्शन जो प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती। नाउ डिवीजन में देखते हैं हम, डिवीजन में क्या होगा, डिवीजन वाले केस में किन्हीं भी हम 3 नंबर्स को क्या करेंगे, आपस में डिवाइड करेंगे, जैसे ए बाई बी अपोन में सी, ये 3 नंबर्स है, इनको मैं डिवाइड कर दूंगी, तो ये किसके इक्वल होगा, ये प्रॉपर ये ऊपर जाएगा ना, ए सी अपोन में बी, किसके इक्वल आएगा ये, क्योंकि ये आएगा, सॉरी ए बाई बी सी, सी अपोन में 1 है ना ये नंबर, तो कैसे होगा, इसमें मिस्टेक हो सकती है, इस प्रॉपर्टी को हमें ध्यान से देखना है, सी अपोन में 1 नंबर है ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, रेसिप्रोकल, यानी कि ए अपोन में बी सी। 3 नंबर्स को यहाँ पे हमें आपस में क्या करना है, डिवाइड, ये किसके इक्वल नहीं होगा, ए बाई बी बाई सी के, यानी कि ऊपर ओनली एक नंबर है ए, तो नीचे वाले टर्म का ऊपर जाके क्या होता है, रेसिप्रोकल, मींस ए सी बाई बी, क्या ए अपोन में पहले मैंने किस किस को डिवाइड किया है, 2 नंबर्स को ए अपोन बी, उसके नीचे क्या है सी, इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी किसको किसके इक्वल आ गई, ए अपोन में बी सी। नाउ पहले मैंने ए ओनली एक नंबर को ऊपर रखा और नीचे बी अपॉन सी, तो ये किसके इक्वल आ गया, ए सी बाई बी, क्या ए अपॉन बी सी ए सी बाई बी के इक्वल है, नहीं, तो मींस यहां से ये प्रॉपर्टी होगी, ए बाई बी अपॉन में सी नॉट इक्वल टू ए अपॉन बी अपॉन सी, कि ये प्रॉपर्टी जो डिवीजन वाली प्रॉपर्टी है वो कभी भी किस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती, एसोसिएटिव को। तो मींस ओनली एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन जो प्रॉपर्टी होती है वो एसोसिएटिव को फॉलो करती है, एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन नॉट फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, a इंटू बी प्लस सी, यानी कि पहले मैंने प्रोडक्ट की किसके साथ, b प्लस सी, किसके इक्वल होगा, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे a इंटू बी और प्लस में a इंटू सी, फिर ऐसे ही मैंने अगर बीच में माइनस ले लिया सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी में, तो यहां से a इंटू बी माइनस में a इंटू सी। एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं इसको, 3, 4, 5, यहां से मैंने a की वैल्यू 3, b की 4, c की 5, यानी कि 3 × 4 + 5, ये किसके इक्वल होगा, a इंटू बी 3 × 4 + a × c 3 × 5, 3 × में कितना आ गया 9, 12 + 15 = 27। देखो ये प्रॉपर्टी यहां से हमारी होल्ड हो गई जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। नाउ सेकंड के लिए 3 × b − c a इंटू बी माइनस a इंटू सी, तो ये कितना आ गया 3 × −1 12 − यहां से कितना आ गया 12 − 15 मीन्स −3, ये भी कितना है −3 = −3। सो ये दीज टू प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये हमने देखा रैशनल नंबर के ऊपर ऑपरेशन। सेम अब हम किसके ऊपर देखेंगे, इरेशनल नंबर, जैसे फॉर एग्जाम्पल √6 + √6 √6 − √6 √6 × √6 और √6 / √2 भी कर सकती हूँ मैं, और √6 / √18 ये किसके इक्वल होंगे, यहां से देखो √6 + √6
तो रूट जो रूट सिक्स है मैं कॉमन ले सकती हूँ, अगर सीधा समझना आए तो। अंदर रह गया वन प्लस वन, यानी कि ये किसके इक्वल आ गया, टू रूट सिक्स के। यहाँ से जीरो, रूट सिक्स इंटू रूट सिक्स, रूट सिक्स का होल स्क्वेयर, रूट सिक्स का होल स्क्वेयर ये कैंसिल हो जाएगा, किसके इक्वल आ गया सिक्स के। रूट सिक्स अपॉन रूट टू, रूट सिक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, थ्री इंटू में टू अपॉन में रूट टू। अलग अलग कर सकती हूँ ना, एक प्रॉपर्टी होती है रूट ए बी, इसको रूट ए इंटू में रूट बी हम लिख सकते हैं। तो यहां से रूट थ्री इंटू में रूट टू, नीचे भी क्या है रूट टू, ये कैंसिल होके किसके इक्वल आ गया रूट थ्री। नाउ रूट सिक्स, एटीन को मैं लिख सकती हूँ नाउ नाइन इंटू में टू रूट सिक्स, और नीचे थ्री रूट टू, फिर से रूट सिक्स को मैं लिख सकती हूँ रूट थ्री इंटू रूट टू, नीचे थ्री रूट कैंसिल हो गया। अब नीचे रूट थ्री ओनली थ्री है, तो थ्री को हम रूट थ्री इंटू रूट थ्री लिख सकते हैं, क्योंकि ये रूट थ्री का क्या होता है स्क्वायर। तो आंसर आ गया हमारा वन अपॉन में रूट थ्री। तो ये हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे इरेशनल के ऊपर, कि यानी कि दो इरेशनल नंबर को मैंने ऐड किया तब क्या आ रहा है हमारे पास इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर को मैंने सबट्रैक्ट किया तो क्या आ रहा है जीरो, क्या एक रेशनल नंबर। दोनों पे मैंने प्रोडक्ट की ये सिक्स आ रहा है, ये क्या एक रेशनल नंबर। इनको डिवाइड किया रूट थ्री क्या है इरेशनल नंबर, एंड रूट सिक्स अपॉन रूट एटीन को सोल्व किया वन अपॉन में रूट थ्री भी क्या है इरेशनल नंबर। यहां से हमने क्या देखा है कि इरेशनल नंबर के बारे में ये प्रॉपर्टी हमने यहां से ऑब्जर्व की है कि इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड करते हैं या इसमें से दोनों माइनस करते हैं, दोनों की प्रोडक्ट करते हैं इरेशनल नंबर्स की, या दोनों की डिवीजन करते हैं। तो हमारे पास रेशनल नंबर भी आया है और इरेशनल नंबर, यहां से हमने देखा है प्रॉपर्टी से कि दोनों की सब्ट्रैक्ट करने पे जीरो आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे सिक्स, ये क्या है रेशनल नंबर, और ये क्या आए हैं एडिशन करने पे इरेशनल नंबर। तो यानी कि ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई इरेशनल नंबर के ऊपर, क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसके अंदर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और यहाँ से मैंने एग्जांपल से इसको ऑब्जर्व कर लिया है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी ये फॉलो करता है। अब देखते हैं इरेशनल नंबर कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, यानी कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन, एडिशन में क्या करेंगे यानी कि दो जो एडिशन लेंगे नंबर रूट सिक्स प्लस रूट सिक्स या रूट सिक्स प्लस में रूट सेवन, किसके इक्वल होगा ये रूट सेवन प्लस रूट सिक्स। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन रूट सिक्स इंटू में रूट टू, रूट सिक्स इंटू में रूट टू कितना आ गया रूट ट्वेल्व, या मैं ये लिखू रूट टू इंटू रूट सिक्स, ये किसके इक्वल आ गया रूट ट्वेल्व के। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी हमारी मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, और ये किसको फॉलो करती है कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी को। लेकिन सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन नॉट कॉमुटेटिव, कि आपस में कभी भी क्या नहीं होंगी, ना तो ये इसको फॉलो करेंगे हमारे पास जो कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी है। जैसे मैंने इसको इससे डिवाइड किया ए अपॉन में बी, कभी भी किसके इक्वल नहीं होगा बी अपॉन में ए, ये हमने पहले भी एग्जांपल करके देखा है। स्टूडेंट्स इनके तो मैं अच्छे से नोट्स बनाने, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इनसे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि एग्जाम टाइम में हम पूरी वीडियो को ऐसे नहीं देख सकते, तो नोट्स होंगे तो हम जल्दी जल्दी ये देख सकते हैं कि क्या क्या कंसेप्ट थे इस एक्सरसाइज में। नाउ नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज है मेन इसकी जो हम एक्सरसाइज में यूज करेंगे वो करवा रही हूं मैं। एक प्रॉपर्टी और रहेगी इसमें इरेशनल नंबर में एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में क्या होगा, कौन कौन सी इसके अंदर फॉलो करेंगी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, यानी कि किन्हीं भी टू इरेशनल नंबर को हम एड करते हैं तो वो किसको फॉलो करेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या थी, ए प्लस में बी प्लस सी किसके इक्वल आएगा ए प्लस बी प्लस में सी, या हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए इंटू बी इंटू सी किसके इक्वल आएगा ये ए इंटू बी इंटू सी, यानी कि एडिशन और जो मल्टीप्लीकेशन है प्रॉपर्टी वो किसको फॉलो करती है हमेशा एसोसिएटिव को, ये हमने रेशनल नंबर में भी पीछे पढ़ा था। नाउ सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन, इसमें ये कभी भी इसको फॉलो नहीं करती, हमने एग्जाम्पल भी देखा था उसमें सेम एज इट इज किसमें होगा इरेशनल नंबर में, कि यहाँ पे मैंने माइनस ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया डिवीजन, कि ए अपॉन बी अपॉन सी किसके इक्वल नहीं होगा ए अपॉन बी अपॉन सी के। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑन इरेशनल नंबर, ये हमेशा इसमें फॉलो करेगा ए इंटू बी प्लस सी किसके इक्वल होगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, एंड ए इंटू बी माइनस सी किसके इक्वल होगा ए इंटू बी माइनस में ए इंटू सी। नाउ कुछ मेन प्रॉपर्टी है, जैसे ए और बी पॉजिटिव रियल नंबर है रूट का,
रूट ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, रूट के अंदर हमेशा ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। अगर ये नेगेटिव हो गया तो रूट के अंदर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है, और हम बात किसके ऊपर कर रहे हैं, रियल नंबर के। तो यहाँ पे हमेशा ए जो भी रूट के अंदर टर्म होगी वह ग्रेटर देन जीरो। नाउ रूट ए भी किसके इक्वल होगा, रूट ए इंटू रूट बी, या ये है तो हम कोई इकट्ठा ये लिख सकते हैं, रूट ए अपॉन बी किसके इक्वल होगा, रूट ए अपॉन रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी इंटू रूट ए प्लस रूट बी, यानी कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यूजिंग आइडेंटिटी किसके इक्वल होते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट ए का स्क्वायर करेंगे ए, रूट बी का करेंगे बी, यानी कि ये आइडेंटिटी किसके इक्वल आ गई, ए माइनस बी के। अब हमें ये डिवाइड करना है, डिवाइड सिक्स रूट फाइव अपॉन में टू रूट ए फाइव, तो ऐसे करेंगे रूट फाइव से रूट फाइव कैंसिल, ये किसके इक्वल आ गया, थ्री के। हमें इस टाइप के नंबर्स दिए मिलेंगे एक्सरसाइज 1.5, इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे वहां पे। ये ऐड करना है हमें दो टर्म्स को, टू रूट टू प्लस में फाइव रूट थ्री प्लस टू रूट प्लस में रूट टू माइनस थ्री रूट थ्री, यहाँ पे टू रूट टू और रूट टू इनको इकट्ठा लिख लेंगे, फिर फाइव रूट थ्री माइनस थ्री रूट थ्री को इकट्ठा, क्या कॉमन आ रहा है, रूट टू, टू प्लस में वन, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, रूट थ्री, फाइव माइनस में थ्री, ये कितना आ गया, थ्री रूट टू प्लस में टू रूट थ्री। तो ऐसे हम किन्हीं भी दो इरेशनल नंबर्स को ऐड कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हमें डिवाइड करना है एट रूट फिफ्टीन को किससे, टू रूट थ्री से, ये हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ से एट रूट फिफ्टीन, फिफ्टीन को मैं ये लिख सकती हूँ ना, फाइव इंटू में थ्री, नीचे टू रूट थ्री, रूट ए बी इसको मैं अलग अलग कर सकती हूँ, रूट ए इंटू रूट बी ये कैंसिल हो गया, फोर इंटू में रूट फाइव इंटू में रूट थ्री अपॉन में रूट थ्री कैंसिल हो गया, किसके इक्वल आ गया, फोर रूट फाइव। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ बेसिक कंसेप्ट हुए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के ऊपर ऑपरेशंस। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम 1.5 एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे।